प्रण नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको आलू के समोसे की रेसिपी दूंगी। इसके लिए लिया है मैंने मैदा 200 ग्राम, जिसमें मैं 50 ml डालूंगी ऑयल, या आप घी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। हम धीमे धीमे इसमें पानी मिलाते हुए अपने आटे को गूंद लेंगे। पहले पूरी तरह से हम ऑयल को मिक्स कर लें आटे में, और इसका डो टाइट बनेगा, पूरी की डो के तरह। अब हम स्टार्ट करेंगे पानी डालना। स्लो स्पीड में आप पानी डालते हुए आटे को गूंथ लीजिए। 6 से 7 मिनट गूंथने के बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखिए। अब समोसे के लिए हम मसाला बनाएंगे। पहले हम जीरा डाल दे रहे हैं, फिर 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। हमने 6 से 7 अपनी आलू को बॉईल करके छिलके उतार कर रख लिया है। हम इसमें लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। मैंने 3 मिर्च ली है हरी। इसे डालकर हम सॉटे करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च थोड़ा सा, 1/2 टेबल स्पून। हम ऐड करेंगे अपनी आलू को। आलू हम सीधे ऐसे डाल देंगे, थोड़ा सा प्रेस करके, ज़्यादा नहीं, बाद में हम मिक्स करेंगे। हमने मूंगफली अपनी रोस्टेड रखी कर ली है, उसे भी हम तैयार होने के बाद मिलाएंगे। इसे हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे। और नमक भी ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा मसाला। पांच मिनट हो चुके हैं, हमारी आलू अच्छे से भून चुकी है। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी धनिया और पुदीना की कटिंग। मैंने स्टेम के साथ धनिया और पुदीना कट कर लिया है, ताकि इसमें क्रंच आ सके। और हम 100 ग्राम रोस्टेड मूंगफली भी ऐड कर देंगे। ठंडा होने पर मसाले को मैश कर लिया जाएगा। हमने अपने आटे को अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी लोई काटेंगे और पूड़ी बेलना शुरू करेंगे। आप जिस भी साइज का चाहें अपने समोसे बनाने के लिए लोई बना सकते हैं। बड़ी बनाना हो तो आप
चार बनाने हैं एक में, तो आप थोड़ी बड़ी बनाइए, दो बनाना है तो छोटी बनाइए। अब हम पहले दो की बना के दिखाएंगे आपको, और बड़ी बनानी होगी तो और थोड़ा सा आटा बढ़ा लेना होगा और उसकी साइज बड़ी करनी होगी। ने रोटी बेल ली है, अब देखिए इसे हम दो टुकड़ों में काटना होगा, तो ऐसे काटेंगे, पर हमारी रोटी की साइज बड़ी, हम इसे चार टुकड़ों में काट ले रहे हैं। मैं आपको दूसरी रोटी के दो टुकड़े में बताऊंगी समोसे बनाना। ये देखिए दो टुकड़े की रोटी मैंने काट रखी है, इसमें हाफ पोर्शन है ये, इसे हम ऐसे प्रेस करेंगे, इसका नीचे का पोर्शन हम दबा देंगे ऐसे तरह पूरा, उसके बाद हम ऐसे करते हुए इसकी स्टफिंग भर देंगे इसके अंदर। ये स्टफिंग मैंने डाल दिया, फिर हम इसे इस तरह बंद कर देंगे। एक तो ये तरीका हुआ समोसा बनाने का, और अगर आप इस पे दूसरी डिजाइन्स भी यूज करना चाहती तो इसका कॉर्नर को इस तरह खींच दीजिए और इसे इस तरह, इस तरह करने पर ये तीनों साइड से इस शेप में हो जाएगा। यहां चाहे तो आप फोक से अपनी डिजाइन बना लीजिएगा। अब मैं चार कटिंग एक रोटी में की हुई उसका समोसा बताऊं। देखिए इसे गोल साइड से आप ऐसे फोल्ड करेंगी, उसके बाद इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। चार सम बनाने की अपेक्षा दो वाले में स्टफिंग की मात्रा ज्यादा आती है। ये देखिए फिर ये हम जो तिकोना पोर्शन है और इसके ज्वाइंट से इसे मिक्स कर देंगे, ये हम खींच के इस पे मिला लेंगे, फिर इनके साइड्स को हम इस तरह प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। इसको तलते समय हमें ऐसे डिप करना होगा, और ये पोर्शन आप डिजाइन को एकदम सही कर लीजिए। इस तरह हम सारे समोसे रेडी कर देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम धीमी धीमे अपने समोसे को डालेंगे। बहुत तेज ऑयल गर्म ना हो, और फिर हम इसे आंच को स्लो कर देंगे। अब सिम पे हम अपने समोसों को तलेंगे। ऊपर से हमें तेल ड्रिजल करने होगा, क्योंकि हम इसे जब तक नीचे का क्रिस्पी नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे फोल्ड नहीं कर सकेंगे, तो हमें ऊपर ऑयल डालते रहना है, या इसे धीमे से ऐसे टर्न करते हुए आप ऑयल डेवर करते जाइए। इसे बनाने में हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। नीचे का हिस्सा थोड़ा क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसे बेंड कर सकते हैं। अब हम इसे पूरी तरह इस तरह कर देंगे, जो तिकोना हिस्सा है उसे नीचे कर देंगे, ताकि अच्छे से हमारा समोसा तल जाए। इसी तरह करते हुए हम अपने सारे समोसे तल लेंगे। हमारा समोसा तल गया है, धीमे धीमे हम इसे पेपर पर निकाल लेंगे।
इस तरह एक्स्ट्रा ऑयल जो है नैपकिन एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब हम अपने दूसरे समोसे भी सेम उसी तरह डालेंगे जैसे हमने अपना पहला समोसा ऐड किया। तेल के निचले हिस्से में को दबा के डाल दीजिए और जो पतला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। अब हम अपनी सर्विंग प्लेट को तैयार करेंगे, तब तक हमारा दूसरा समोसा भी तैयार हो जाएगा। मैंने अपना आलू का समोसा सर्व कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। मैंने दो तरह से इसकी बनाने के तरीके बताए। एक रोटी में दो बेल के काट लीजिए और दूसरा मैंने एक रोटी में चार, जिसकी साइज बड़ी होगी रोटी की। अगर आपको हमारा बिना लहसुन प्याज का समोसा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।